हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाने जा रहे हैं टमाटर और चुकंदर का सूप, जो कि बहुत ही हेल्दी भी है, टेस्टी भी बहुत है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए आधा किलो टमाटर लिए हैं, 50 ग्राम के आसपास ये चुकंदर है, 3-4 कली लहसुन की और थोड़ा सा अदरक लिया है। इसको कुचल लेंगे या इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और इन सब चीजों को एक साथ उबालना है। टमाटर को 4 टुकड़ों में काट लेंगे, इस तरह से 4 टुकड़ों में काट कर और इसे एक कुकर में निकाल लेते हैं पहले। और चुकंदर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। टमाटर और चुकंदर को काट लिया है और ये अदरक को भी कूट लिया है, अच्छे से कुचल लिया है, जैसे हम चाय में अदरक डालते हैं उस तरह से कर लिया है। इसका फ्लेवर अच्छा आता है। इसको काटने की बजाय आप इसको कुचल कर डालिए। और अब इन सबको एक साथ उबाल लेंगे, कुकर में कर दिया है इनको। अदरक और लहसुन भी डाल दिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको छोड़ दें। इसमें 1 चम्मच नमक डाला है, ये सेंधा नमक का मैं यूज कर रही हूं। और साथ ही इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है। और अब इसको तेज आंच पर रखेंगे, करीब 10 से 15 मिनट तक इसको हमें इसमें प्रेशर लगाना है। कुकर को गैस पर रख दिया है और एक सीटी आने के बाद इसको सिम कर देंगे गैस को। तो इसे 15 मिनट के लिए उबाल लिया है और इसमें थोड़ा इसमें ब्लेंडर से इसको, एक ब्लेंडर या फिर मिक्सी के जार में भी आप इसको चला सकते हैं और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे पहले सारे मिक्सचर को। उसके बाद एक छलनी की हेल्प से इसको छान लेंगे। तो ये मिक्सचर को छान लिया है, अब इसमें टमाटर के बीज और छिलके सब अलग हो गए हैं। इसको अच्छी तरह छान लिया है, इसका गूदा भी अच्छे से निकाल दिया है। तो छानने के बाद ये इस तरह का तैयार हो गया है। देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आया है, चुकंदर डालने की वजह से ये बहुत अच्छा कलर तो आता ही है इसमें, साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और साथ ही ये बहुत पौष्टिक भी होता है। और अब इसको गैस पर कुछ देर के लिए पका लेंगे, नमक वगैरह डालेंगे इसमें, थोड़ा सीजनिंग कर देंगे इसकी। तो सूप को पकने के लिए गैस पर रख दिया है और अब इसमें थोड़ा सा काला नमक स्वाद के हिसाब से डाल रहे हैं और आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक वगैरह चेक कर लें इसमें। टमाटर के साथ साथ हम और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे पालक, गाजर और बीन्स, ये सब डालकर हम वेजिटेबल सूप बना सकते हैं। और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो ये सूप को हमने बाउल में सर्व कर लिया है। इसमें थोड़ा सा बटर डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कम या ज्यादा या नहीं भी डाल सकते हैं इसको। थोड़ा नींबू का रस, कुछ बूंदे और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल दिया है। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म सूप तैयार है, सेहत से भरपूर। और इसको आप मील रिप्लेसमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे शाम को अगर आप किसी वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप इसको मील की जगह पर रात में डिनर की जगह में ले सकते हैं। ये काफी आपको हेल्प करेगा वेट मैनेजमेंट में। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।